निखिल सबसे पहले पहाड़े सुनाएगा। सुनाओ निखिल, 17 का पहाड़ा बताओ। बोलो निखिल, 17 का पहाड़ा। 17 तक तो याद नहीं है अभी, 14-15 तक याद किया। क्यों, मैं 23 तक बोला था, तुम्हें 17 का भी याद नहीं है? नहीं नहीं क्या हुआ ना, आज दोस्त का एक्सीडेंट हो गया था, वही दवाई वही कराने आज कुछ नहीं हो पाया इसीलिए। तो ये तो काम मैंने दीपावली से पहले दे दिया था। ये क्या कर रहे नहीं हो ऐसे काम में? चलो ठीक है, तुम 13 का बोलो निखिल। तेरे तुम का बोल रहे हो जो तुम्हारा नंबर? हेलो, हाँ बोलो निखिल, बोलो। तेरे 91 हो गया। आगे तेरे अट्ठे कितना होगा? 104। तेरे अट्ठे 104 हो गया। तेरे 9 170, तेरे 130। 7 का बोलो निखिल। सबके साथ 14 28, सबके साथ 14 21 28, 35 35, 35 हो गया। 6 42, 7 49, 7 56, 7 56, 7 9 63 हो गया, 7 70। निखिल इसमें डिवाइड करके हाँ बताओ। सर, किसमें? हेलो, मैं दे रहा हूँ ना, ये इसमें भाग दो। रुको 1 मिनट, किससे भाग देना? मैं दे रहा हूँ, 1 मिनट रुक जाओ। 30 हो गया क्या? नहीं, रुको रुको। दो, इसमें कितना? भागफल बताओ, शेषफल कितना आएगा, दोनों बताओ। कितना है? 30 45 है। 30 15 है, इसमें भागफल और शेषफल बताओ कितना आएगा। 6 5 30 0 5 6 30 हो जाएगा। कितना आएगा? 603 हो जाएगा। 603, 603, 603। अच्छा ठीक है, 15 का स्क्वायर बताओ। 15 का स्क्वायर हो जाएगा सर, 15 का स्क्वायर हो जाएगा। रुकिए 2 मिनट, 2 मिनट हो जाएगी बस सर। 225 हो गया। हाँ? 225, अच्छा 17 का कितना होगा? 17 का 17, रुकिए निकाल रहे हैं 2 मिनट। दो सौ नवासी ये तो याद होना चाहिए अरे ना। याद याद हो नहीं पाया ना, थोड़ा सा गुड़ा उड़ा है। गुणन्तीस का स्क्वायर कितना होगा? कितने का? 29 का। 29 का होगा सर। आ रुकिए 2 मिनट। 841, 841, कैलकुलेटर लेके तो नहीं बैठ रहे हो ना? पक्का कहाँ से कैलकुलेटर आ जाएगा? पता नहीं, तो मेरे पास तो कॉपी भी नहीं है, कहीं पापा बाहर चले गए हैं। अच्छा चलो ठीक है। अब शिवानी, यस सर। 17 का पारा सुनाओ। 17 17 1 17 17 2 34 17 3 51, 17 4 68, 17 5 85, 17 6 102, 17 7 119, 17 8 136, 17 9 153, 17 10 70। 19 का बोलो। नहीं सर, इतना तो नहीं आता। क्यों सर, इतना एक दिन में कैसे होंगे इतने सारे सर? क्यों, मैं तो तुम्हें दीपावली से पहले ये काम दिया था, कोई आज के काम से लिए? बस सर, मैं कर लूंगी, मैं 5 6 दिन में कंप्लीट कर दूंगी, 30 तक तो सुन लेना सर। चलो ठीक है, इसको डिवाइड करो। इसको मैं दे रहा हूँ, देखो इधर। भागफल और शेषफल दोनों बताओ। रिमाइंडर और वो बताना है ना, क्वेश्चन? हाँ ठीक, एक मिनट ना।
एक मिनट में निकाल रही हूँ सर, है ना कॉपी में। निकालो निकालो, सब लोग निकालो। क्या संख्या दी है सर? 9 से डिवाइड करना है 3, 4, 5, 6, 7, 8 को। वैशाली वैशाली अपनी तरफ से म्यूट करो। वैशाली ये सर 8 लेके इसमें 7, 8। हाँ हाँ लास्ट में 7, 8 है। बोलो सर, 38408 तो इसका वो आएगा क्वेश्चन और रिमाइंडर 6 बचेगा। सबका यही आ रहा है? यस सर। चलो ठीक है श्वेता, तुम रेडी हो जाओ। श्वेता शिवानी याद करो, पाड़े 30 तक याद होनी चाहिए स्क्वायर। हाँ हाँ ठीक। चलो ठीक है, 24 का स्क्वायर बताओ शिवानी। 20 तक के स्क्वायर आते हैं मुझको अच्छे से। 19 का स्क्वायर बताओ। 361। अच्छा 9 का क्यूब बताओ। 9 का क्यूब? हाँ 729। ठीक है 13 का? 13 का क्या बताना है? क्यूब। अच्छा क्यूब बताना है। 2197। अच्छा चलो ठीक है। श्वेता देखो मैं फिर बता रहा हूँ, पाड़े 30 तक याद होने चाहिए, स्क्वायर जो आपको 30 तक स्क्वायर याद होने चाहिए, क्यूब आपको 20 तक याद होने चाहिए, ये जरूरी है। काम आते हैं डायरेक्टली, क्वेश्चन आते हैं डायरेक्टली से रिलेटेड। श्वेता तुम सुनाओ 17 का पाड़ा सुनाओ। 17 × 17 = 54 के आगे बोलो। 17 × 36 = 153 बोलो। 17 × 17 = 34 17 × 18 17 × 68 = 102 17 × 17 = 19 17 × 18 = 36 17 × 36 = 173 173 × 18 = 36 173 × 18 = 173 173 × 18 = 18 173 × 18 = 18 173 × 18 19 का बोलो। सर 19-18 का याद नहीं है, मैं भूल जाती हूँ। 7 का बोलो। 7 × 7 = 7 × 14 = 28 7 × 28 = 35 7 × 28 = 56 7 × 63 = 70 ठीक है श्वेता तुम इसको डिवाइड करो। सर एक मिनट में कॉपी ओपी रख लूँ। सब लोग डिवाइड करो इसको, पर आंसर श्वेता बताएगी, तुम लोग कंफर्म करोगे। 312946 को डिवाइड करना 7 से। 312946 को 7 से डिवाइड करना है। 3 × 7 = 21। एक मिनट। सब लोग डिवाइड करो फिर आंसर कंफर्म करना सब लोग। सर ये मैथ्स की पहली क्लास है क्या? हाँ एनसीईआरटी मैथ। हाँ हाँ पहली क्लास है। श्वेता बताओ कितना आया तुम्हारा? श्वेता कहाँ चली गई? तो कर रही हूँ।
तो इतना डिले, अब तक तो हो जाना चाहिए था। ये देख लेना, पक्का गलत होगा सबका। सुनो बताओ। मेरा भी सही है सर, मेरा सही है। चलो बताओ। एक मिनट रुक जाओ हाँ निखिल, तुम्हारा बताओ, तुम्हारा कितना आ रहा है? अरे कोई आंसर अपना चेंज नहीं करेगा, निखिल बताओ। चलो ठीक है वैशाली, अब तुम शुरू हो जाओ, स्टार्ट हो जाओ। वैशाली यू आर रेडी? मैं सर बताएं। 19 का पाड़ा बोलो पहले। 19 का? सर आपने बहुत कठिन पूछा। आप तो 9 को पहाड़ा पूछ ले, 9 बता दे। 19 का कौन बताएगा फिर? 19 को तो सर कठिन है, पढ़ो तो पर भूल गए 19 को पहाड़ो। चलो आप ये बताओ 16 का स्क्वायर बताओ। 16 का स्क्वायर 144 होगा, तो फिर 12 का क्या होगा? 12 वैशाली पढ़ाई कीजिए, ऐसे काम नहीं चलेगा। चलो ठीक है, पूजा प्रीति, पूजा और प्रीति रेडी हो जाओ। पूजा याद करना पड़ेगा ना, एक चैप्टर है 7th-8th क्लास में जब एनसीईआरटी पढ़ा रहे तो भूल जाता है। 19 को पढ़ो, पढ़ोगे कई बार भूल जाओ। जो 19 1 18 1 17 17 18 19 तो याद नहीं होता। याद होना चाहिए, उसके बिना काम नहीं चलेगा मैथ में, मैं पहले बता रहा हूँ। ठीक है चलो पूजा रेडी हो जाओ। पूजा, पूजा माइक ओपन करो। पूजा कुछ बोलोगी? चलो ठीक है प्रीति, प्रीति रेडी हो तुम? प्रीति कुछ बोलो। चलो ठीक है क्लास शुरू करते हैं। सुनूंगा जब मेरा मन करेगा तब। कोई जरूरी है क्या तुम अभी याद कर रहे थे? चलो ठीक है, तो ये एनसीईआरटी पहला अपन शुरू करते हैं, पहली क्लास का ये एनसीईआरटी है। ठीक है सर, आज एनसीईआरटी पढ़ा के जो आप नोट्स बनाए थे अपना वही बार रिवीजन करा दीजिए ताकि हम लोग प्रैक्टिस करते रहें। वो तो पहले से पढ़े हैं, वीडियो जाके देख लो। चलो ठीक है, देखो सबसे पहली बात मैं फिर बार बता रहा हूँ, इन एनसीईआरटी में ऐसा कोई बड़ी बात है नहीं कि जो मतलब किसी को डिफिकल्टी हुई हो, ठीक है। परंतु इसमें कुछ कुछ कॉन्सेप्ट है वहाँ मैं बता दूंगा कि ये इंपॉर्टेंट है, तो चाहे वो लिख लेना, ठीक है लिख ही लेना क्योंकि किसी के पास हार्ड कॉपी तो होगी नहीं इसका, तो कुछ कुछ चीज़ें रहेगी जो मैं बता दूंगा भाई ये इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन आते भी हैं, ठीक है। दूसरी बात एक चीज़ याद रखना कि छोटे छोटे कॉन्सेप्ट जैसे इसमें आएंगे आप पहाड़े याद नहीं कर पाते तो कैसे उसमें कर सकते हो, बहुत सारी चीज़ें दी हुई है, ठीक है। अब देखो आकृति और स्थान, तो ये इतना ऐसे इंपॉर्टेंट नहीं है चैप्टर, बस एक फटाफट आइडिया ले लो। एक अरब और उसका ऊंट, सर्दी का दिन था, ठीक है। अब देखो यहाँ पे सर्दी को ऐसा लिखा है, रियलिटी में सर्दी ऐसे नहीं लिखते, परंतु ये बच्चों की वो मतलब सबाई सी बात है, पहली क्लास में बच्चा पढ़ने वाला जितना ईजी लैंग्वेज में दिया रहता है, इसीलिए सर्दी का दिन था। अब देखो कि पीठ पर बैठ कर घूमने जा रहा था। अब देखो यहाँ पे इन्होंने ना वर्ड खुद ही छोड़ के रखे हैं, वो दे दिया सर, ठीक है सर। हाँ तो यहाँ पे देखो एक अरब जो ये व्यक्ति और उसका ऊँट, ठीक है ऊँट। अब यहाँ पे देखो ऊँट की पीठ पर बैठा था ऐसे कहना चाह रहा है डायग्राम। तो ये सेंटेंस कैसे पूरा होगा फिर? कौन सा सर? ये देखो एक अरब और उसका ऊंट, ठीक है ये लाइन कंप्लीट है। सर्दी का दिन था, फिर की पीठ पे बैठे घूमने जा रहा था, ऊंट की पीठ पे, ठीक है। अब देखो ऐसा ही है ना, हिंदी कंपलसरी का जो पेपर होता है ना उसमें आता है ऐसा क्वेश्चन, ठीक है। तो ये चीज़ याद रखना, छोटी छोटी चीज़ें क्लियर होगी यहाँ से, ठीक है। रात को किसने, अरब ने अपना तंबू लगाया और उसके अंदर चला गया,
कूट को बाहर ही रहने दिया, ठीक है, बाहर तो बहुत ठंड है, क्या मैं अपनी गर्दन अंदर कर लूँ, ठीक है, तो ये इससे पूछ रहा है, ठीक है, ठीक है, तुम अपनी गर्दन अंदर कर लो, ठीक है। अब आगे देखो, बाहर तो बहुत ठंड है, क्या मैं अपनी अपनी आगे की टांगों को अंदर कर लूँ, ठीक है, तुम अपनी आगे की टांगे भी अंदर कर लो, एक स्टोरी भी है एक तरीके से, जैसे धीरे धीरे कोई अतिक्रमण करता ना वैसे करता है, बाहर तो बहुत ठंड है, क्या मैं अंदर आ जाऊँ, अरे नहीं, ये तंबू हम दोनों के लिए बहुत छोटा है, इसलिए मैं अंदर आ रहा हूँ, तुम बाहर जाओ। तो ये सिंपल से एक तरीका है स्टोरी, परंतु इसका तुम रिलेवेंस समझ सकते हो कि जैसे बहुत बार क्या ऐसा होता है कि ऑक्यूपाई करने का यही तरीका होता है, जैसे चाइना की यही पॉलिसी होती है कि पहले कुछ छोटा एरिया कवर करो फिर शांत हो जाओ, फिर छोटा एरिया कवर करो फिर शांत हो जाओ, तो ऐसे ऑक्यूपाई नेचर होता हो, ठीक है। अब देखो ये बड़े छोटे वाला क्वेश्चन आता है, ठीक है, याद करो 2018 का क्वेश्चन उठा के देख लेना, उसमें भाई इसकी हाइट इतनी इतनी है इस टाइप से, अब बड़े पे निशान लगाना है तो ठीक है भाई यही बड़ा है, ये तो छोटा हो गया, अब यहाँ पे छोटे पे निशान लगाना है, तो ये बस ओनली समझ है, ठीक है, छोटे टायर पे निशान लगाओ तो ये हो गया, ठीक है। अब देखो ये वाला क्वेश्चन मैं फिर बता रहा हूँ, अरेंजमेंट वाला क्वेश्चन आता है, रीजनिंग का क्वेश्चन है ये। अब देखो मैं फिर बता रहा हूँ, देखो यहीं पे एक तुम्हारा कॉन्सेप्ट तैयार कर दिया, पहली क्लास का पहला ही चैप्टर है, सबसे छोटे पेड़ पर निशान लगाओ तो सबसे छोटा ये हो गया, ठीक है, फिर उससे बड़ा ये, फिर उससे बड़ा ये हो गया, ठीक है। तो सबसे छोटा, सबसे बड़ा, सबसे छोटा बताना था अपने को, सबसे बड़े जानवर पर निशान लगाओ ये हो गया, और सबसे छोटा वाला ये हो गया, और देखो सबसे छोटा फल पर निशान लगाओ तो ये हो गया, सबसे छोटे बुलबुला ये हो गया। अब देखो मैं फिर बताऊँ, रीजनिंग के क्वेश्चन में बताऊँगा, 2018 का क्वेश्चन जाके पेपर देख लो, 2018 में क्वेश्चन आया हुआ, 2017 उधर तो पहले बहुत आते थे इस टाइप के क्वेश्चन आते थे, हाइट वाला ये सब, ठीक है, ऊपर से नीचे और नीचे से ऊपर, ठीक है, ऊपर से नीचे ये हो गया, ठीक है, सबसे ऊपर वाले मटके पर निशान लगाओ तो ये हो गया, सबसे सीढ़ियों के नीचे वाले जानवर पर निशान लगाओ तो ये जो बिल्ली है जो भी है, ठीक है, पास और दूर, मकान के पास वाली चिड़िया पर निशाना लगाइए तो ये वाली पास होगी, ये दूर हो गई, ठीक है, पेड़ से दूर वाली बिल्ली पर निशान लगाओ तो ये हो गया, ठीक है, सबसे पास और सबसे दूर, झूले से सबसे दूर कौन है, ठीक है, ये है, झूले के सबसे पास ये है, पेड़ से सबसे दूर वाले पिल्ले पर निशान लगाइए तो ये हो गया, चिड़िया के सबसे पास वाले पेड़ पर निशान ये हो गया, ठीक है। अब ऊपर नीचे, मेज के ऊपर वाले बच्चों पर निशान लगाइए, मेज के ऊपर जो बच्चे हैं ये हो गया, मेज के जो ऊपर है और ये हो गया, पर और कुछ भी बोल रहा है, मेज के ऊपर वाले बच्चों पर निशान था, मेज के नीचे वाले बच्चे पर क्रॉस का निशान लगाओ, तो मेज के नीचे वाला बच्चा ये हो गया, क्रॉस का इसके निशान लग गया, ठीक है। अब देखो इसमें, इसमें वही पूछा होगा, पास दूर ऊपर नीचे पर चर्चा कीजिए, अब वो डिपेंड करता है किससे पूछ रहा है, वो आप खुद से डिसाइड करके कर सकते हो, इतना कोई छोड़ो इतना काम का नहीं है, ठीक है। हमारे आसपास की आकृति आप देखो, रेखा खींचते हुए एक जैसी आकृतियों को गुलाबी या पीले बॉक्स में रखी, ठीक है, पीले बॉक्स में रखी है, ठीक है, इन इसमें रखना है अपने को, इन दोनों में, ठीक है, जैसे ये वाला इसमें रख दिया, रेखा खींचते हुए एक जैसी आकृतियों गुलाबी पीले में रखी नहीं एक आकृतियों को रखना आपको, ठीक है, जैसे कि स्क्वायर इसको ये, हाँ तो ये सब इधर आएगा, ये सब इधर आएगा, ये सब इसमें आएगा, ठीक है, सिंपल है, वैसे कुछ नहीं है, एरिया की जैसे आकृतियों को मिलान कीजिए, ठीक है, तो वही सारी चीज़ें हो गई, ये सेम हो गया, ये सेम हो गया, अरे चाहो तो इसको इसको मिला दो, वो हो गया। अब देखो छाटना, एक जैसे आकृति मिलान करते हुए आकृतियाँ छाटी है, ठीक है, अब जैसे गोल बॉल है, ठीक है, बेलन ये इसको इसको मिला दो, ठीक है, सब इसमें से मिलाना है जो इसके चार्ट बोर्ड है हाथ में, एक जैसे आकृति से मिलान करते हो आकृति छाटी इसमें से मिलाना है। नहीं तो इन्होंने एग्जांपल दिया है, बाकी तो लग भी ठीक, वैसे भी कर सकते हो, जैसे अभी इसके जैसे आकृति ये रही, ठीक है, इसके जैसे आकृति ये रही, ठीक है, और ये वाली, ये वाला टोपी वाला ये रहा, एक टोपी ये रहा, ठीक है, और गोला वाला ये मान के चलो शंकु, ठीक है, छोड़ो ये वैसा ही है, सिंपल सा है, ठीक है, यहाँ पर ऐसा नहीं कोई कॉन्सेप्ट, लुढ़कना सरकना, ठीक है, लुढ़कने वाली वस्तुओं पर निशान लगाइए, अब तो ध्यान देखना यहाँ पे, बोल रही है, अब ये लुढ़कने वाली यहाँ पे ये होगा,
प्याज भी लुढ़क ही जाएगा, ठीक है, ये भी लुढ़केगा ही, ये तो नहीं लुढ़केगा, ठीक है, सरकने वाली वस्तु है तो सरकने वाले ये हो गया, ये लुढ़क जाएगा, ये लुढ़क जाएगा। तो अगला स्टोरी दिया है इसमें, एक मेमना था वह अपनी दादी माँ से मिलने जा रहा था, ठीक है, जंगल के रास्ते में उसे एक भेड़िया मिला, मैं तुम्हें खाने जा रहा हूँ, ठीक है, कृपया मुझे जाने दो, मैं अपनी दादी माँ से मिलने जा रहा हूँ, जब मैं वापस आ जाऊँ तो मुझे खा लेना। अच्छा तुम जा सकते हो, जब मैं लौटा सेल भी तो सरक सकता है, सेल बैटरी वाला गोल है, ये गोल है ना, ये लुढ़केगा ना सर, अगर आप इसको सेल के वो नेगेटिव पॉजिटिव साइड से अगर रखोगे तो वो लुढ़केगा थोड़ी, वो सरकेगा ही तो, अरे नहीं करके लुढ़केगा ना, प्रयास करके देख लेना हो जाएगा। चलो ठीक है, तो देखो जब वो लौटने लगा तो उसने दादी माँ को भेड़िए के बारे में बताया, तो दादी माँ ने उसे एक उपाय सुझाया, चलो अपने आपको इसके ढोलक में छुपा लो, उसने ऐसा ही किया, ढोलक में छुप गया। ठीक है, दादी माँ ने ढोलक को सड़क पर लुढ़का दिया, मेमने ने भेड़िए को अपने इंतजार करते हुए पाया, क्या तुमने किसी मेमने को इस तरह आते हुए देखा है? नहीं। ढोलक नीचे की ओर लुढ़कने लगी, भेड़िए को शक हो गया और वह ढोलक के पीछे पीछे दौड़ने लगा, इससे पहले कि भेड़िए से पकड़ पाता मेमना अपने घर पहुंच गया और उसने दादी माँ को धन्यवाद दिया। तो मतलब कैसे उसने चालाकी से जो भी काम किया, ठीक है छोड़ो, एक जैसे आकार की आकृतियों को मिलान कीजिए, ठीक है, अब ये देखो ये इतना काम का नहीं है पर ठीक है, ये छोटा, ये छोटा आकृति हो गया, ठीक है, बस ये आइडेंटिफाई करने का तरीका है और कुछ ही नहीं है, ठीक हो गया कंप्लीट। यहाँ पे भी ऐसा ही है, एक जैसे आकृति मिलान कीजिए, तो गोला इससे मिल जाएगा, ट्राइंगल जो है इससे मिल जाएगा, ठीक है, पंचभुज इससे मिल जाएगा, ये गोला इससे मिल जाएगा और ये इससे मिल जाएगा, हो जाएगा पर ठीक। मैं फिर बता रहा हूँ यहाँ से देखो, जैसे एक तो आकृति आइडेंटिफाई में क्या होता है, सबसे छोटी आकृति में रंग भरी है, तो ये हो गया, यहाँ पे ये हो गया, यहाँ पे ये, यहाँ पे एक जैसी आकृतियों का मिलान कीजिए। अब ये बच्चों ने कभी देखना और डिफरेंस खोजने वाला आता था, वैसा ही टाइप से है, ठीक, इतना कोई इम्पोर्टेंट नहीं है अपने लिए, अपने काम की चीज़ें वो फटाफट करते हैं। ये भी छोड़ो, कलर वलर बनने का अपने को काम नहीं है, आर्ट नहीं करना अपने को, ठीक है, ये भी कोई छोड़ो, अपने काम की चीज़ नहीं। अब आ जाओ यहाँ से, धीरे धीरे कुछ कुछ बनने लगेगा, एक से नौ तक संख्या है, मतलब जो काउंटिंग सिखा रहा है अभी यहाँ पे, ठीक है, एक से नौ तक संख्या उतने ही जितने की, ठीक है, अब देखो ये कितने हैं, तीन दो पाँच, ये भी तीन दो पाँच है, ये तीन है, ये तीन है, ये चार है, ये चार है, ये पाँच है, पाँच है, वैसे करके काउंटिंग सिखा रहा है बस, कुछ नहीं। अब देखो अधिक पे निशान लगाए तो ये भाई अधिक ये है, ठीक है, यहाँ पे भी अधिक ये है, ठीक है, कम पे निशान लगाए तो कम ही है। सबका ना एक एक क्वेश्चन करा लो बस, सब एक्सरसाइज का वो तो, हाँ वो तो ऐसे भी है, फटाफट देख ले, कम पे निशान लगा तो ये कम हो गया। अब जो काउंटिंग करना सिखा रहा है, देखो मैं फिर बता रहा हूँ इन चीज़ों में, अभी इसमें तो चलो ये तो बहुत ज़्यादा बच्चों वाला होगा, पर इसमें ना कुछ कुछ कॉन्सेप्ट दिया है, मैं फिर वारा बता रहा हूँ, तो वहाँ जो कॉन्सेप्ट दिया है वो मैं बताऊँगा। एक एक छोटा बच्चा एक एक खा रहा है सेब, ठीक है, दो दो छोटे बच्चे दो पहुँचे चिड़ियाघर को, तीन तीन नन्हे तोते तीन उड़कर गए चीन, मतलब ऐसे ही है, पाँच चार पाँच वो काउंटिंग सिखा रहा, कुछ भी नहीं है, सात आठ नौ तक सिखा रहा वो काउंटिंग, गिनिए मिलान करी ये नॉर्मल वाला है, ठीक है, तो इतना कोई इसमें वो है नहीं, ठीक है, गिनिए मिलान करी ये भी छोटा बच्चों वाला है तो अपने को काम का है नहीं, ठीक है, ये थी सिखा रहा है एक दो, ठीक है, तीन वो काउंटिंग सिखा रहा है, ठीक है, दो गाय है दो जानवर है यहाँ पे ऐसे करके, ठीक है, तीन वाला वो सिखा रहा है, चार ये काउंटिंग है, ये सब नॉर्मल है, ठीक है, ये काउंटिंग सिखा रहा है तो काउंटिंग तो अपने इतना काम का है नहीं, आगे आएगा जो काम का चीज होगा। इसमें कोई ऐसे कॉन्सेप्ट वाली बात नहीं है, ये बचपन में किया होगा खूब, चित्र डायग्राम बनाने वाला, ठीक है, जैसे एक दो, अब दो को तीन से मिलाओ, चार पाँच छः सात आठ नौ, तो ऐसे करके नाव बन गई, तो वो वाला है, तो ये तो बचपन में किया होगा, ठीक है, ठीक है। अब यहाँ से शुरू होता है क्वेश्चन, ठीक, ध्यान से देखना, पांच रसीले आम टोकरी में रखे थे,
माला ने खाया एक, तो कितने बच गए शेष? तो स्वाभाविक सी बात है कितने बच गए, चार। चार असीले आम टोकरी में रखे थे, माला ने खाया एक, कितने बचे? तीन। तीन थे, एक खा गई, तो कितने बचेंगे? दो। दो थे, एक खा गई, तो एक बचेगा, राफे में जीरो बचेगा। ठीक है, पेड़ की शाखा पर बैठी चिड़िया गिनिए, उनकी संख्या लिखिए। तो यहाँ पे कितनी है? चार, ये नॉर्मल है, यहाँ से उड़ गई तीन, ये दो। अब देखो कैसे सिखा रहा है, मतलब देखो मतलब कैसे उन्होंने एनसीईआरटी जब बनाया हो, कैसे बच्चों की इमेजिनेशन से ही उनको काउंट करना सिखा रहा हो। पिंजरे में कितने चूहे, तो वही सेम चीज़ हो गया ये। ठीक है, अब यहाँ से एडिशन सिखा रहा है। ठीक है, एडिशन का क्वेश्चन आता है यूपीएससी में, क्या 2024 में भी आया था। अब ध्यान से देखना, एक हरा तोता है, नाच रहा था वो, एक और आ गया, अब हो गए दो। दो छोटे तोते दाना बिन, दाना रहे थे बिन, एक और आ गया, तो हो गया अब तीन। तो ये तो नॉर्मल है, चार पाँच, ठीक है छोड़ो। कुल मिलाकर यहाँ पे कितने हो गए? ये तीन हो गए। ठीक है, ऐसे करके ये नॉर्मल है, जोड़ वाला, नॉर्मल जोड़ वाला, इससे कोई दिक्कत नहीं। पर मैं फिर बता रहा हूँ, कुछ बच्चों को दिक्कत है तो कर लेना ये प्रैक्टिस, क्योंकि नॉर्मल है परंतु दिक्कत होगी, मैं मुझे पता है। अब देखो ये जोड़ वाला, अब देखो संख्या का जोड़ वाला बता रहा है, तो ये फटाफट एडिशन वाला, तो इतना कोई खास है नहीं। चलो ठीक है, श्वेता बताओ ये कितना आएगा? श्वेता नो। अच्छा ये कितना आएगा? नो। अच्छा ठीक है, ठीक है, तो ये जोड़ वाला है, सबको नॉर्मल है, इतना कोई इसमें खास है नहीं। ठीक है, तो सिंपल है, जोड़ी मिले है, वो भी वही सेम चीज़ हो गई, ये भी जोड़ने वाला सिंपल है, इसमें कुछ नहीं। हाँ, अब यहाँ पे दिमाग लगाने वाला क्वेश्चन है। चलो सना बताओ ये कैसे पाँच बनेगा? सर तीन प्लस दो। और तरीके बताओ, तीन प्लस दो से क्या, बहुत सारे तरीके होंगे, बताओ। वन प्लस फोर और टू प्लस थ्री, थ्री प्लस टू, ये तो हो गया सर। फोर प्लस वन, ये भी हो गया। जीरो प्लस फाइव भी तो हो सकता है। ठीक है, तो ये इस तरीके से कर सकते हो, क्योंकि जो यूपीएससी ऐसे ही पूछता है, वो तरीके पूछ लेता है यहाँ पे, बस अंतर इतना ही है, तरीका यही होता है। चलो रमेश ये बताओ फटाफट, इसके कितने पैर बनेंगे? पैर बताने, जैसे इसके यहाँ पे तीन पैर बचे, तो इसके कितने पैर बनेंगे बताओ? आठ, एक, नौ, छः, दो, छः, सात, दो, नौ, पाँच, चार, नौ, मतलब चार, चार बनेंगे। लिख लो सर, चार बनेंगे। इधर देखो, जीरो नौ तो गया काम से, एक आठ, दो सात, तीन छः, चार पाँच, पाँच और ये तो नहीं बनेगा, तो पाँच तो बन गए, तुम्हारा तो ऐसे गलत गया। जीरो जीरो वो तो जीरो लेंगे क्या? अगर मान लो उसमें बोल दिया कि पूर्ण संख्या से करना है, संख्या नहीं है, तो यहाँ पे कुछ बोला सही है आपको। सुनीतर ठीक है, तो ये क्वेश्चन मैं फिर बता रहा हूँ, ये अच्छा क्वेश्चन है, इसमें पैर बनाने वाला क्वेश्चन, ऐसे सीधे मत समझ लेना एक प्लस पाँच, नहीं, इसमें कितने पैर, सीधा ही दिया है वैसे भी, पैर कितने बन सकते हैं वो इम्पोर्टेंट है। ठीक है, अब ये आगे माइनस करने वाला, ठीक है, तो इसमें डायरेक्ट ये छोड़ो, अपन इसमें कुछ संख्या वाला लेते हैं, ये तो कर लोगे आराम से, नॉर्मल है, कोई दिक्कत नहीं है। चलो श्वेता, सर तीन में से आठ घटाओगे माइनस के, तो कितना बचेगा? पाँच। ठीक है, कोई नहीं बोलेगा। वैशाली बताइए कितना बचेगा? तीन में से आठ घटाएंगे। हाँ, तीन में से आठ घटाएंगे सर। हाँ तो सर तेरह में से वो नहीं, तीन में से आठ, थ्री है और माइनस में आठ, मतलब बड़ी संख्या जो रहती उसका वो प्लस माइनस माना जाता है ना। चलो ठीक है, अब आ जाओ आगे। चलो ठीक है, मैं जिससे पूछता हूँ वही जवाब देगा। जीरो माइनस जीरो, रमेश
जीरो जीरो और क्या जीरो बटा जीरो जीरो बटा जीरो जीरो बस हो गया तुम्हारा जीरो एक आएगा अच्छा बस तुम बताओ हो गया तुम लोगों की पढ़ाई पूरी चलो शिवानी तुम जीरो बटा शिवानी जीरो जीरो से कोई भी चीज जो डिवाइड होती है तो शायद इनफिनिटी आता है सही इनफिनिटी ही आएगा यही तो बात तुम लोगों को पता नहीं है यही और किसी भाग में जीरो का भाग दिया किसी में चलो ठीक है शिवानी जीरो इंटू जीरो सर जीरो इंटू जीरो सर जीरो इंटू जीरो जीरो ही होता है अच्छा ठीक है जीरो प्लस जीरो जीरो प्लस जीरो भी जीरो ही होगा ठीक है ये इन्फिनिटी होता है याद रखना ये चीज चल वो बच्चों सर हिंदी में क्या बोलते हैं क्या हो गया हिंदी में क्या बोलते हैं इनफाइनाइट को अनंत अनंत बोलते हैं अंबानी वाले चलो ठीक है चलो सना बताओ आठ में से ऐसे क्या घटाया कि सात आए एक घटाया अच्छा ठीक है मैं जैसे पूछूंगा वही जवाब देगा ठीक है श्वेता रेडी रहना तुम ये संख्या यहाँ पे छुटी हुई है ठीक है जो भी है ये कैसे आएगा श्वेता बताइए आप सर एक बार समझा दो किसमें से क्या घटाना है ये बताना चार में से अपन ऐसा क्या घटाए कि पांच आ जाए सम नेगेटिव में करूं फाइव को अरे मैं तुमसे नहीं पूछ रहा हूँ मैं श्वेता से पूछ रहा हूँ श्वेता आप जवाब दीजिए चार में से ऐसा क्या घटाया जाए कि पांच आ जाए सर माइनस वन शाबाश सही है माइनस नाइन माइनस वन भी होगा बहुत सारे और वो भी हो सकता है हाँ नाइन भी तो हो सकता है माइनस नाइन नहीं माइनस नाइन तो फिर तो ज्यादा चले जाएगा तेरह चले जाएगा नाइन भी माइनस फाइव आएगा माइनस वन ही आएगा माइनस वन आएगा ठीक है चलो अब आगे आपके भाई भी कमजोर तो देख लो पहली क्लास में तुम लोगों का ये हाल है चलो अब ये तो वो काउंटिंग सिखा रहा है ऐसा कुछ छोड़ो ये अपने किसी काम के नहीं भी फेल हो जाएंगे चलो अब अगला क्वेश्चन मल्टीपल वाला आएगा तो वो मैं पूछूंगा इकाई दहाई सैकड़ा हजार दस हजार लाख दस लाख करोड़ दस करोड़ अरब दस अरब नील दस नील पद्म दस पद संख दस संख समझ रहे हैं क्या बोल चलो ठीक है अभी अभी रुको ठीक है ये इकाई दहाई तो आता है ना सब लोगों को ये फिर ये भी सिखा चलो ठीक है तो जो यस सर बोला ना शिवानी आप ही रेडी हो जाइए बस बस सर हाँ पढ़ के बताइए शिवानी सर एक मिनट इनको अरेंज करके कर लो जहाँ तक तुम लोगों ने गणित सीखा ना वो तो फेल है इसके आगे ये मैं श्योर हूँ बताओ शिवानी नहीं पढ़ के बताओ कितना नंबर है करोड़ से करोड़ के बाद और क्या आता है अरब 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 से अरब आता है 75 अरब 54 करोड़ 12 लाख 76 अरब 54 करोड़ 12,34,989 चलो ठीक है अब आ जाओ खरब की बात 100 खरब की बात
साइंस में इंटरनेशनल सिस्टम भी तो होता है, वो अपने नहीं आएगा यूपीएससी में। यूपीएससी में नहीं आता, परंतु एनसीईआरटी में 6 क्लास की एनसीईआरटी पढ़ोगे तो उसमें दिए है, पहला ही चैप्टर दिए है। चलो ठीक है, मैं जिसे पूछ रहा हूँ फटाफट सना, 10 से पहले और 10 के बाद क्या आता है? 9 और 11। अच्छा ठीक है सना, सना ये बताओ 35 बड़ा है 33 बड़ा है? 35 ठीक है, माइनस 2 बड़ा है माइनस 4 बड़ा है? माइनस 2 ठीक है। चलो 77 78 79 में कौन बड़ा है? 77 78 79 में कौन बड़ा है? 79 नहीं, तुमने ये 69 बोल रहे थे ना, मैं वही समझ रही। अरे ठीक है चलो इधर आ, ये तो सिंपल है एडिशन, यहाँ आ जाइए। चलो ये हुआ ना, यहाँ से ये क्वेश्चन है लैंग्वेज स्वरूप, इसका जवाब देगा निखिल। निखिल पहले वो दूसरा क्वेश्चन का जवाब दो फटाफट। राहुल के पास 8 पेंसिल है, सोनू के पास 7 है, उन दोनों का 15 हो जाएगा। सेकंड का 7 बड़ा दे दो 10 हो जाएगा। ठीक है लैंग्वेज वाले क्वेश्चन। चलो अब दे श्वेता, श्वेता फटाफट से फर्स्ट और सेकंड का आंसर दो। श्वेता सर 5 फर्स्ट का। सेकंड का सेकंड का क्या होगा सर? 5 ठीक है, ठीक है 135 कुछ पेज है। आप देखो ये उठना नाश्ता करना ये सब छोड़ो, दोपहर का भोजन करना, खेलना अध्ययन करना सोना करना, ठीक है, अपने सुबह के कार्य पे निशान लगाई ये सब छोड़ो, अपने काम का नहीं है। ठीक है अब आएगा यहाँ पे रोटी बनाना सिखा रहा है। ये लंबा छोटा है तो ये समझ लोगे, ये तो चित्र डायग्राम वाला है। अगर ऐसे कोई लैंग्वेज वाला क्वेश्चन होगा तो अपन उसको देखेंगे, क्योंकि डायग्राम वाले क्वेश्चन अब आते नहीं है यूपीएससी, पहले आते थे अब नहीं आते, तो उसका मतलब है नहीं। ठीक है एक अनाउंट करने वाले 5 सेम होंगे ना जो मिलीमीटर को सेंटीमीटर में, 6 क्लास में उधर है। ठीक है ये सब डायग्राम वाले हैं तो डायग्राम इजी है। मैं फिर बता रहा हूँ जिसका बहुत ज़्यादा वीक है एडिशन में भी, जिसको दिक्कत हो रही है वो कर लेना इन क्लास को, तभी जाके आप उधर करने लायक रहोगे। ठीक है अब ये वही काउंटिंग सिखा रहा है तो नॉर्मल है, उस छोड़ो इकाई दाई सैकड़ा वाला वो सिखा रहा है, वो कुछ अपने काम का नहीं। लेकिन सर बहुत अच्छे सिखाया है जिसको, हाँ मतलब बच्चों के लिए तो बहुत अच्छा है एनसीईआरटी, वो तो है ही इम्पोर्टेंट है। आज रीजनिंग का क्वेश्चन, पहले ऐसा आता था क्वेश्चन रीजनिंग वाला है ये, ठीक है आप तो नहीं आता है परंतु फिर भी रीजनिंग में देखो इसमें क्रम बनाना है। देखो यहाँ पे सीधा टी है, यहाँ पे उल्टा टी है, फिर सीधा है, फिर उल्टा है, तो अब आएगा सीधा। ठीक है अब यहाँ पे देखो दो ऐसे लंबा है, फिर बीच में गोला है, दो ऐसा है, ये है, तो फिर यहाँ पर गोला आएगा, फिर दो ऐसे आएगा। ठीक है तो ये पहले रीजनिंग के क्वेश्चन आते थे 2014 तक, और इसी पैटर्न में क्वेश्चन आए हैं इसी पैटर्न में सर। 2018 में भी तो है ऐसा कुछ पैटर्न वाले क्वेश्चन है, अब नहीं आते हैं आजकल वो, मैंने बताया था ना ब्लाइंड वालों का पेपर पहले एक ही होता था, तो आजकल वो हट गया है, इसीलिए ब्लाइंड वालों को दिक्कत होती थी, इसीलिए वो लैंग्वेज वाले क्वेश्चन देते हैं, इसलिए अपने लिए लैंग्वेज वाला। अब देखो ये डायरेक्ट यूपीएससी में क्वेश्चन आए हुए हैं, ये सब इस टाइप क्वेश्चन आए, पैटर्न पकड़ने वाला ये सर, देखो इस टाइप क्वेश्चन आए हुए हैं। रीजनिंग है ये, रीजनिंग का अपन इजी पार्ट है, ये कर लोगे कोई भी। देखो ये वाला इस टाइप का क्वेश्चन आया हुआ है, मैं करवाऊंगा देखना 2013-14 का, इसलिए बता देखो पहली क्लास की एनसीईआरटी ऐसे नहीं क्वेश्चन आए, ये क्वेश्चन आया हुआ है। ठीक है हाँ अब देखो ये आ गया यूपीएससी का क्वेश्चन। चलो रमेश बताओ, देखो मैं फिर बता दो कितना इम्पोर्टेंट है, बस वही है कि थोड़ा अपने को भाई यूपीएससी के क्वेश्चन का आइडिया होना चाहिए। अब देखो रमेश बताओ बताओ पैटर्न कीजिए और छोटी की संख्या दीजिए, 1, 3, 5, 7, 7 है तो 9, 11। ठीक है सना बताओ अगले वाले में सर 22, 21, 20
19, 18, 17, 16 ठीक है युवराज बताओ अगले वाले 40, 50, 60 ठीक है श्वेता बताओ अगले वाले में 15, 20, 25, 30 अरे ये वाला ऊपर वाला बताना था चलो ठीक है चलो रुक जाओ मैं जैसे पूछूंगा वही देगा शिवानी बताओ शिवानी 33, 44, 55, 66, 77 कुछ याद आया ये पहाड़े हैं चलो अब रुक जाओ वैशाली वैशाली बताएगी इसका आंसर वैशाली इसका बताओ अब देखो यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं इसीलिए आते हैं क्वेश्चन वैशाली बताइए सर इसमें सर 11 से 12, 13 इसमें 14 आएंगे सर और आगे 17 से 18, 19, 20 समझ में आया तीन दो तीन, दो का गैप तीन, तीन तीन का इंक्रीजमेंट हो रहा है तीन तीन का गैप यूपीएससी वाला क्वेश्चन अब वही तो बता रहा हूँ ठीक है अब देखो पहली क्लास में डायरेक्ट यूपीएससी यहाँ से क्वेश्चन पूछ रहा है उन्होंने आगे की आगे तो हो रहा अभी थोड़ा डिफिकल्ट आएगा ये तो पहली क्लास का है ठीक है अब देखो ये क्वेश्चन यूपीएससी ने पूछा हुआ है ये डायग्राम वाले अभी और अच्छे अच्छे क्वेश्चन आएंगे चलो ठीक है अब इसका कौन कौन है निखिल बताइए फटाफट 10, 12, 14 ठीक है अब कौन कौन है एक बार मैं देखूँ सीधे क्लास में कौन कौन बैठा है यहाँ पे निखिल है शिवानी श्वेता पूजा पूजा खाना वाना बन गया था प्रीति तुम्हारा आवाज़ ही नहीं आता है एक तो तुम कुछ ना कुछ फोन में तुम्हारी गड़बड़ी चलो पूजा तुम रेडी हो पूजा बताएगी पूजा खाना बना रही चलो ठीक है श्वेता तुम बताओ फटाफट से क्या आएगा इस बाल्टी ठीक है चलो अगले में बताओ फिर श्वेता कितना आएगा सर 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55 ठीक है सर सना बताओ फटाफट से सर 1, 4, 4, 7 सर 3, 3 का है ना 7, 3, 10 आ जाएगा 13 और 3, 16 आ जाएगा और फिर 19 ठीक है सना अगला बताओ 15 फिर 3 कम है ना सर 2 कम है फिर 11 फिर 9 आ जाएगा सर फिर 2 कम 7 आ जाएगा फिर 2 कम आएगा इसमें 5 और फिर 2 कम 3 आ जाएगा इसमें बताओ इसमें 20, 30, 40, 50, 60 देखो मैं फिर बता रहा हूँ सीक्वेंस वाला क्वेश्चन आपकी बार भी आया था हर बार दो क्वेश्चन आते हैं तो ये आएंगे मैं पहले बता रहा हूँ ठीक है अब ये काउंटिंग सिखा रहा है संख्या है ठीक है तो ये नॉर्मल है अपने लिए इतना वो काम का नहीं है अपना काम का जो वो करेंगे अपन ठीक है ये काउंटिंग ही है एक तरीके से तो वो छोड़ो उसका कोई मतलब नहीं है सीडी खेल खेला ही होगा ये तो यही तो बर्बाद किया ठीक है ये सिक्के हैं जिसके पहले यूज होते थे ठीक है वो है भारत में प्रचलित नोट ये जो आजकल चलते हैं चलो निम्न राशि देखो ये यूपीएससी का क्वेश्चन डायरेक्ट 2022 में भी आया है डायरेक्ट आया है क्वेश्चन चलो एक रुपये से आप कौन कौन सी राशि बना सकते हो फटाफट बताओ बताओ अरे जो सिक्के मतलब? होने चाहिए वो बनाओ ना सर जैसे कि 100 पैसों का 1 रुपया होता है ऐसे पूछ रहे हैं सर नहीं और मतलब कि 20 रुपये बना सकते हो 30 रुपये बना सकते हो अरे देखो 1 रुपया 1 रुपये से 2 रुपये बन जाएगा 2 रुपये सिक्का भी आता है 5 रुपये का भी बन जाएगा 10 का भी बन जाएगा ऐसे सब बन जाएगा उससे एक से पॉसिबिलिटी सबकी हो जाएगी पर 2 से क्या होगा 2 से 5 नहीं बन सकता 2 से 5 भी सिक्का नहीं बनेगा 10 का नोट बन जाएगा सर जिसकी डिविजिबिलिटी 2 होगी ना वो सब बन जाएंगे हाँ तो ये वो वाला ही सिक्का रहा है 3 का क्या बनेगा 2 और 1 3 से सर तो जो 3 से डिवाइड हो जाएगा सारा 3 3 6 आ जाएगा 9 आ जाएगा 6 का निकला भी होता है नहीं नहीं सर ये क्वेश्चन है ऊपर दिए गए सिक्कों से आप कितने रुपए बना सकते हो ये 1 और 2 से विघिम प्रकाश को जोड़ से निम्न राशि बनाइए चलो ठीक है इसमें आओ चलो शिवानी तुम बताओ विभिन्न प्रकार के सिक्कों जोड़ से निम्न राशि बनाइए अच्छा एक तो 5 का 1 2 का और 1 का है
ये क्वेश्चन ये है, यूपीएससी ने भी इसी टाइप का क्वेश्चन पूछा है, आपको चार रुपए बनाना है और आप कैसे बनाओगे इससे ये नोट। सर मैं पांच में से एक माइनस कर सकती हूँ पहला तो? अरे ये नहीं नहीं नहीं, ये नहीं चलेगा। देखो चार मैं सिखा देता हूँ, चार रुपए बनने का तरीका है एक प्लस एक प्लस एक प्लस एक, एक तरीका ये है। दूसरा तरीका दो प्लस दो, ठीक। तीसरा तरीका दो प्लस एक प्लस एक, इसके अलावा और कोई तरीका नहीं। तीन तरीके हैं, समझ में आया? तो इसीलिए देखो इन्होंने तीन ही तरीके दिए हुए हैं, ठीक है। चलो अब शिवानी बताएगी, पाँच रुपये बना के बताओ। देखो ये डायरेक्ट क्वेश्चन आया है यूपीएससी में, एक बार नहीं दो तीन बार क्वेश्चन आया हुआ है। दूसरा बन सकता है दो दो के सिक्के लिए और एक एक का सिक्का लिया और एक पांच का सिक्का लिया। अरे तीन ही? हाँ ठीक है ठीक है, पांच का सिक्का भी है। हाँ ठीक है, और बस और क्या बनेगा? और तो बस एक और तरीका बनेगा सर, दो प्लस ये बन जाएगा, दो प्लस वन प्लस वन प्लस। अब तुम लोगों को ना इसमें है ना, मैं पैटर्न बताता हूँ, तुम लोग ना ऐसे गलती करोगे नहीं हमेशा। सबसे पहले इसका तरीका बताता हूँ, मैक्सिमम मिनिमम वाला कॉन्सेप्ट होता है। देखो अपने पास सिक्के कौन कौन से, एक पाँच एक दो पाँच, ठीक है, ध्यान से बना। तो सबसे पहले ट्राई करो मिनिमम वाले से बना सकते हो, एक से बन जाएगा, एक प्लस एक प्लस एक प्लस, ठीक। अब इसमें और कोई पॉसिबिलिटी नहीं है, अब इन दोनों को साथ में लेके बनाओ, एक और दो को। तो सबसे पहले एक का यूज करो, ठीक है, फिर उसके बाद में दो का, ठीक। अब उसके बाद में देखो एक और दो और कुछ बन सकता है? हाँ, मैं दो को दो बार ले लूँ, एक एक बार आ जाएगा, दो प्लस दो बार आ गया, ठीक। अब उसके बाद में और कोई पॉसिबिलिटी नहीं, अब इन तीनों को मिला के, तीनों मिला के पाँच बनेगा नहीं, ओनली सिंगल इससे पाँच बनेगा, ओनली पाँच। मैं फिर बता रहा हूँ क्वेश्चन आया है और आगे भी आएगा, इसीलिए मैं क्लास वन से इसीलिए पढ़ा रहा हूँ, क्यों तुम लोगों आगे ये क्वेश्चन दिखेंगे नहीं, वहाँ पे ये क्वेश्चन दिखेंगे नहीं। चलो अब श्वेता बताएगी, अब छः रुपये कैसे बनाओगी श्वेता, फटाफट बताओ। सर वन प्लस वन प्लस वन प्लस वन प्लस वन प्लस वन प्लस, ठीक है, फिर वन प्लस वन प्लस टू प्लस वन, क्या दो द्वारा बोलो, वन प्लस वन प्लस वो मतलब, फिर गलती कर रहे हो तुम, फिर वो गड़बड़ी करोगे। अरे सबसे पहले देखो एक को अपने छह बार ले लिया, अब एक को पांच बार नहीं ले सकते, चार बार ले सकते हैं, एक प्लस एक प्लस एक प्लस एक प्लस, फिर दो आ जाएगा, फिर उसके बाद में फिर दो बार एक आएगा, फिर वो दो जो दो बार बढ़ जाएगा, ठीक है। फिर उसके बाद में ये सब दो प्लस टू प्लस टू प्लस टू, ठीक है, फिर एक आखिरी में एक प्लस पाँच। चलो मूल्य का अनुमान लगाइए, ये बीस रुपये का है, ये कितने का होगा, ये कैसे अनुमान लगाओगे? टोटल दिया होगा सर, ऐसा कुछ दिया ही नहीं उसने। चलो छोड़ो, इल्लियों की संख्या ये तो नॉर्मल है, ये अपना डायग्राम वाला नहीं खेलना, बताओ कितने मन के हैं, ये सब छोड़ो, एक किले का मूल्य कितना, तो ऐसे देखो। हाँ चलो सना बताओ, एक केले का मूल्य एक रुपये है, तो तीन केला कितना होगा? तीन रुपये, ठीक है। ये बताओ इसमें कितनी दहाई का अंक कितना है? दो। इनमें कौन सी संख्या बड़ी है? छब्बीस, ठीक है। ये तुम्हारी पहली क्लास ही कंप्लीट हो गई, सर आपको डाउट है कि मैंने एनसीईआरटी नहीं पढ़ी है? ठीक है, अब अपन ज्योग्राफी के एनसीईआरटी करेंगे, ये फटाफट हो जाएगा। पर देखो यहाँ से लगभग दो तीन क्वेश्चन पक्के हो गए हैं आपके, यूपीएससी में आएंगे, मैं पहले बता रहा हूँ, ये चीज़ याद रखना, दो तीन क्वेश्चन पक्के हो गए हैं और आगे इसका धीरे धीरे अपने एडवांस क्लास में जाएंगे तो और एडवांस क्वेश्चन आएंगे इनके।